क्या कर रही हूँ? हम वॉशरूम ढूंढ रहे थे यहाँ। कमाल है, हमें तो ये कहा गया था कि तुम्हारा बचपन यहाँ बीता है, यहीं पे पली बड़ी हो तुम, और तुम्हें यही नहीं पता कि हम वॉशरूम कहाँ है। क्या है ना कि तब हम बहुत छोटे थे, आधी से ज्यादा चीजें तो याद ही नहीं है। उसके बाद तो कितनी सारी चीजें बदल गई है, बहुत कुछ नया नया बन गया है, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए। अंकल कहाँ है? क्या वो कमरा जो तुम वॉशरूम समझ के खोल रही थी, अंकल का प्राइवेट कमरा है। ओह, आई एम सॉरी, हमें पता नहीं था, वरना हम हमें भी नहीं पता था। जब हम नई शादी करके आए थे ना यहाँ, हमें भी लगा था कि ये वॉशरूम है। इसी बात पे दे ताली। चलो हम बताते हैं वॉशरूम का है। आओ। हो गया, कल्याण हो आप लोग का, आप लोग का कल्याण हो, आप लोग का कल्याण हो। हो गया, चलिए, हो गया सर, हो गया। यहाँ का कार्य तो हो गया, आशा करते हैं कि करिश्मा सिंह भी अपने मिशन में सफल रहेंगी। दीदी जी, लेटे लेटे पीठ अकड़ गई है, थोड़ा मदद कर देंगे उठने में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आराम से, आप भी तो पेट से है ना, संभाल के। आराम से ही आए हम। आपको कुछ चाहिए? हाँ, पानी जी। ये लीजिए। धन्यवाद। हमारा नाम बिमला है, और आपका? कमला। मैं बिमला, आप कमला, कमला बिमला। जुड़वा बहनों के नाम लगते हैं, नहीं? हाँ। वैसे कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी चल रहा है ना। अरे दीदी, आपका महीना पूछ रहे हैं, आप पेट से है ना, आपको कौन सा महीना लगा है? हमें सात महीना हमको लगा है, सातवा। आप बताओ ना, आपके घर में सब कैसे हैं, सब सासू माँ, आपके पति कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहाँ? दो तीन महीने पहले सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। माफ करना, हमें पता नहीं था। नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांग रही हैं? ये सब तो नियति का खेल है, इसमें किसी का क्या दोष? शुक्र है वो तो कि महिपाल जी जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, वरना पता नहीं हम जैसे बदनसीब लोगों का क्या होता। आप महिपाल सिंह का बात कर रही होगा? जी जी, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानती हैं उन्हें? नहीं, हम नहीं जानते, नहीं जानते। अरे देवता हैं, साक्षात भगवान का रूप। ऐसे समय में जब हमारे घर वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया, तब महिपाल जी ने हमारे सर पर अपना हाथ रखा और हमको अपना बेटी माना, और उन्होंने ही यहाँ अपने इस अस्पताल में हमारा दाखिला भी करवाया, और अब वही हमारा पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। अच्छा। अरे याद आया, तुमने फॉर्म भरा क्या? फॉर्म? कैसा फॉर्म? कल महिपाल जी ने अस्पताल में टीकाकरण का कार्यक्रम रखवाया है। कल यहाँ जितनी भी गर्भवती महिलाएं दाखिल हैं, उन सबको शक्तिवर्धक का टीका लगाया जाएगा, जच्चा और बच्चा की अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, चलो जल्दी से फॉर्म भर दो, आज हमारा फाइनल टेस्ट होने वाला है। टेस्ट? कौन सा टेस्ट, क्या टेस्ट है ये? चलिए, आपके टेस्ट का टाइम हो गया। इस इंजेक्शन से तुम्हें नींद आ जाएगी, और फिर हम तुम्हारे सारे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है? तुम? हम हमारा आज ही दाखिला हुआ है ना। वो फॉर्म भरा तुमने? नहीं, फॉर्म नहीं भरा हमने। ये लो फॉर्म भर लो। हाँ। अगला नंबर तुम्हारा ही है, चलो। Thank you.
ये तो यहीं आ रहा है। रिपोर्ट अच्छी है, एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट बॉडी है। एक बात बताओ, इस प्रेग्नेंट लेडी के अलावा हमारे पास टेस्ट के लिए कुल 11 लेडीज और है ना? राइट सर। इट मींस वी आर रेडी फॉर फाइनल ट्रायल ऑफ आवर वायरस। एब्सोल्युटली। इनमें से किसी औरत को डाउट तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इनको तो पता भी नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। किसी को कोई शक नहीं होगा कि हम इनके अंदर एक वायरस इन्फेक्ट करने वाले। सो एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज हमारे मिशन के लिए सबसे आसान टारगेट होती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये गरीब तबके की हैं, यानी कि कोई कहने सुनने पूछने वाला नहीं है कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं या किस मकसद से कर रहे हैं। वैसे भी इस वायरस के सिम्टम्स जब तक इनकी बॉडी में फैलेंगे, तब तक हमारा ये वायरस देश के आधे हिस्से में फैल चुका होगा। ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, अभी तो पूरा खेल होना बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये खेल जरूर कामयाब होगा। हम इस वॉरहेड में वायरस इंजेक्ट करेंगे। वॉरहेड को लॉन्चर में फिट करके ये ग्रीन बटन दबाने पर लॉन्चर रेडी हो जाएगा और इस रेड बटन को दबाते ही मिसाइल लॉन्च होगी। मिसाइल के ब्लास्ट की वजह से यह वायरस कुछ ही सेकंड्स में पूरे शहर के पानी में फैल जाएगा और धीरे धीरे पूरा शहर, फिर पूरा देश इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ जाएगा। पर सर, इन सब से हमारा क्या फायदा है? एंटीडोट, जो हमने पहले से ही तैयार किया हुआ है, लेकिन बचेंगे तब जब लोग उस एंटीडोट की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। एक ही झटके में अरबों खरबों का मुनाफा। और सर, ये एंटीडोट है कहाँ? ये सिर्फ बॉस जानते हैं। तुम अभी विमला को लेकर जाओ। सर, विमला के साथ एक नई औरत भी आई है, न्यू एडमिशन है, उसे भी ले आते। वायरस कहाँ रखा है? था जिद्दी गिद्ध है, सूंघती हुई यहां तक जरूर आएगी, पर अब कुछ नहीं कर सकती। हम इसे कुछ करने ही नहीं देंगे। महाराज साहब, अब आप काफी समय के लिए देश से बाहर जा रहे हैं, इसलिए बाहर जाने से पहले या किसी और को बेचने से पहले हम चाहते हैं कि इस जमीन का सौदा आज ही हो जाए। पर सिंह साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इस जमीन को खरीदने में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप जब चाहें, जहां चाहें, जितनी चाहें उतनी जमीनें खरीद सकते हैं। फिर इस जमीन में ऐसा क्या है जो आप हर हालत में हर कीमत पर ये जमीन खरीदना चाहते हैं? क्या है मेरे साहब कि ये वो जगह है जहां हम पहली बार अपनी बच्ची हसीना से मिले थे। बहुत पहले जमीन पर एक बाग हुआ करता था। पिता का साया उठ जाने के बाद उस बाग की देखभाल हसीना किया करती थी,
और उसके बदले में जो उसे पैसे मिलते उससे वो अपना और अपनी अम्मी का पेट पालती थी। दिन भर बाग की सिंचाई करती और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई। उसे देखते ही हम समझ गए थे कि इस जन्म में ना सही मगर किसी ना किसी जन्म में हम उसके बाप जरूर रहे होंगे। मेरा साहब, हम वो जमीन खरीद कर वहां पर गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल बनवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उस स्कूल का नाम हमारी बच्ची हसीना के नाम पर हो और शादी के तोहफे में हम उसे वो स्कूल उपहार के रूप में देना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में सरप्राइज गिफ्ट? अब तो आप समझ गए होंगे कि वो स्कूल हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर आप वो जमीन का सौदा हमसे कर ले तो हम जल्द से जल्द वहां स्कूल का काम शुरू करवा सकते हैं, तो बड़ी मेहरबानी। अरे महिपाल साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? आप सच में बहुत ऊंचे इंसान हैं और आपकी बेटी हसीना बहुत ही भाग्यशाली है जिसे आप जैसे महापुरुष की छत्र छाया मिली है। मेरे साहब, बेटी का पिता होना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है और हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें हसीना जैसी बच्ची मिली है। अगर ये निर्दोष है तो फिर सबके पीछे कौन है? इसे हमारे प्लान का पता लग गया है, क्या करना है इसका? मार दो। करिश्मा सिंह का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? अब वो आपने नहीं कहीं देखा? मैंने वो नहीं देखा इनको। पुष्पा जी, आप इनसे पूछिए, मैं वहां पर पूछता हूँ। जी। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें यहाँ देखा है? सॉरी सर। भैया भैया भैया, इनको कहीं देखे हैं आप? इधर भी कहीं ऐसे घूमते हुए या फिर कहीं भी? नहीं नहीं, श्री, आपने इन्हें कहीं देखा है? आपने? अरे ये तो कमला है, अभी तो यही कही थी। आप पक्का इनके ही बारे में बोल रही हैं? जी जी, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ, ये कमला ही है। तो फिर वो कहाँ चली गई? यही कहीं होंगी, आप देखिए। अच्छा, हेलो मैडम सर। मैडम सर, करिश्मा मैडम का लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल का दिखा रहा है। हमने हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को हैक किया है, उसमें से एक भी कैमरे में से करिश्मा मैडम बाहर जाते वक्त कैप्चर नहीं हुई। उसके बाद से करिश्मा मैडम का फोन ही ट्रेस नहीं हो रहा है। दत्ता जी के बारे में पता लगाओ, वो कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। जी मैडम सर। सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहरी लोगों का आना मना है। देखिए, हमें जाने दीजिए वरना पूरा अस्पताल जेल में होगा। हम डीएसपी हैं। सर, हमें ऊपर से उड़ रहे हैं। रुके, आप हमारे अस्पताल में कैसे? देखिए महिपाल जी, ऐसा है कि आपके अस्पताल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसी का पता लगाने के लिए हमारी एक ऑफिसर एसआई करिश्मा सिंह यहाँ आई थी, जो अभी गायब है। मिलनी चाहिए वो हमें महिपाल सिंह जी, सही सलामत, जितनी जल्दी हो सके।
क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो प्रलय मचा देंगे हम यहाँ बता रहे हैं। वो अफसर हमारी बहन है। हमें लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ गरीब और लाचार गर्भवती महिलाओं का इलाज होता है, साजिश नहीं। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप बेशक अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। एक काम करते हैं, मैं ही आपको दिखा देता हूँ, कोई रोकेगा नहीं। प्लीज। तसल्ली हो गई? यहाँ और कुछ बाकी है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है। देखिए, अभी यहाँ हमारे मरीज आराम कर रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए तो अच्छा है। क्या वो कुछ पता चला मैडम का? अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढे आप उन्हें। हे भोलेनाथ, हमारे बहू रानी जहाँ कहीं भी हो ना, वो सुरक्षित हो, सही सलामत हो। हेलो मैडम सर, मैडम सर दत्ता के भी लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल का ही दिखा रहा है, और उसके बाद दत्ता का भी फोन स्विच ऑफ है, और अब तक स्विच ऑफ ही बता रहा है। अच्छा ठीक है, दत्ता जी के आपने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हाँ देखें। रिकॉर्ड्स कॉल को, उसमें लास्ट कॉल किसका है? लास्ट कॉल हिस्ट्री के हिसाब से मैडम सर दत्ता एक ही नंबर पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है, और उसी पे सबसे ज्यादा कॉल कर रहा है। किसका नंबर है वो? नंबर प्राइवेट है मैडम सर, नाम नहीं है। आप हमें नंबर भेजिए जल्दी। जी जी, मैं भेज रही हूँ। सामने तो थी पर दिखाई नहीं दी। हाँ होता है ऐसे कभी कभी, ध्यान कहीं और होता है ना, तो हो जाता है। कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ एक जरूरी काम आ गया इसलिए वापस जा रही हूँ। क्या हुआ, परेशान से लग रहे हो? हाँ, हमारी एक कलीग है वो अचानक से गायब हो गई है, ऐसा है करिश्मा सिंह। अच्छा, ओ कलीग, कलीग तो मतलब पुलिस वाली ना। आम आदमी को गायब होते हुए तो सुना था, पुलिस वाले भी गायब होने लग गए आजकल। बाप रे बाप, क्या जमाना आ गया है। मतलब भरे अस्पताल में, इतनी भीड़ भाड़ में गुंडे बदमाश एक पुलिस वाले को उठा के ले गए। अरे बाप रे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ तुम्हारे पापा की ना बहुत इज्जत करते हैं यहाँ के लोग, बहुत मानते हैं उन्हें। वो तुम्हारी कुलीग को ढूंढ के ले आए। हाँ आपको कैसे पता कि वो अस्पताल से गायब हुई है? हमें अभी, तुमने तो बताया हमें अभी। नहीं हमने तो नहीं बताया। नहीं तुम ही ने बताया हमें अभी। तुम कहाँ है करिश्मा सिंह? क्या बोल रही हो तुम? हमें कैसे पता होगा कि गेंदा? अब ये नाटक बंद करो, हम अच्छे से जानते हैं कि इस सब के पीछे तुम हो, इसलिए जो खेल खेलना है सामने से खेलो, बहुत हो गई छुपन छुपाई। कहाँ है करिश्मा सिंह? कहाँ है करिश्मा सिंह? बादलों में, मार दिया हमने उसे। वो क्या है ना, हमारे बारे में बहुत कुछ जान गई थी वो, इसलिए हमने मार दिया उसे। और अब
कुछ नहीं, वो बेटा सफाई कर रहे थे, सफाई सफाई किचन देखो ना कितना गंदा हो गया। तुम आप भी उन झगड़ा कर रहे थे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो झगड़ा कहाँ कर रहे थे हम? झूठ, हसीना दीदी को चोट लगी है, आप भी उन झगड़ा ही कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अब से नो झगड़ा, प्रॉमिस है ना छोटी माँ? आज से हम दोस्त हैं, नो झगड़ा। ये आपने क्या किया छोटी माँ? वो बहुत बुरी औरत थी, वो आपकी छोटी माँ को मारना चाहती थी, इसलिए इससे पहले कि वो हमें मारे उसे मार दिया। आप ये किसी से कह नहीं सकती? हाँ इधर देखो, हम तुमसे बात कर रहे हैं। यहां जो भी हुआ है वो तुम किसी से कह नहीं सकती, समझी? भूल जाओ ये सब, जाओ जाओ। बहुत कुछ जान चुकी हो तुम हमारे बारे में, करिश्मा सिंह के जैसे तुम्हें भी मरना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।